खूंटी के मॉडल विद्यालय में असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया तोड़फोड़। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि मॉडल विद्यालय में असामाजिक तत्वों द्वारा काफ़ी तोड़फोड़ किया गया है। इसमें कई प्रकार के सामानों की नुकसान हुई है, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर मशीन और इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम को भी तोड़फोड़ किया गया है। हालांकि इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा स्थानीय थाना को सूचना दी गई है। अब पुलिस आगे की जाँच में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को सुनिए, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया है। वैसे विद्यालय 9 तारीख के बाद बंद था, लंबी छुट्टी थी छठ और दिवाली का, और 15 तारीख को यहाँ माननीय मोदी जी का प्रोग्राम भी था छुट्टी में, और उस अवधि में यहाँ पुलिस का कैंप भी था। 16 तारीख तक यहाँ पुलिस ठहरी हुई थी उस बिल्डिंग में, और आज जब हम लोग विद्यालय खोले, सभी बच्चे आए, सभी शिक्षक आए, कमेटी के लोग भी हैं मेरे साथ, हम लोग खोल के देखा तो विद्यालय का मंजर बिल्कुल काफ़ी तहस नहस किया गया है। विद्यालय में जितने भी अधिष्ठापित चीज़ें थी, चाहे बिजली हो, पंखा हो, बल्ब हो या जो भी वायर हो, बच्चों का पेयजल के लिए एक आरओ लगा हुआ था, उसको भी तहस नहस कर दिया है। और जो चोर आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है वो चोरी के मकसद से नहीं आए थे, क्योंकि कोई भी वस्तु उन्होंने चोरी करके नहीं ले गया है, सिर्फ नुकसान करके तोड़ फोड़ तहस नहस करके चले गए हैं। इससे हम काफ़ी आहत हैं, और मैं बता दूं कि इस विद्यालय का प्रभार लिया हुआ मुझे मात्र 20 से 25 रोज हुआ है। इससे पूर्व में भी चोरी हुआ है, मैं यहाँ का एक स्टाफ था, उसमें भी 3 माह पार पूर्व भी इसी प्रकार का घटना इस विद्यालय में हुआ था। ये यहाँ पर तो सीसीटीवी थी, तो उसमें सीसीटीवी चेक करवाए जांच, इससे पहले ही सीसीटीवी का जो भी वायर है पहले ही नष्ट हो चुका है, चोरी हो चुका है। थाना को सूचना दिए इस संबंध में? जी हाँ, थाना को सूचना दिए हैं सर, सूचना भी दिए हैं, अभी मौखिक दिए थे, थाना स्टाफ आए थे, अभी पुनः हम एक लिखित सूचना थाना को और अपने विभाग को देने जा रहे हैं। ये जो है, ये थाना से कितना दूर है? ये बस गेट में सर, रोड के उस पार थाना है और इस पार मेरा विद्यालय। कितना बार चोरी हो चुकी है यहाँ? ये मेरे रहते हुए 3री बार घटना है, ये 3 माह पूर्व भी इसी प्रकार का इसी बिल्डिंग में हुआ था, पुनः वायरिंग किया गया था, पुनः सबको स्थापित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य की कहिए क्या दिक्कतें आएंगी। दिक्कत आए कि बच्चों को अभी पीने के पानी की दिक्कत होगा, बच्चों को लाइट नहीं मिलेगी, बच्चों को पंखा नहीं चलेगा, पीने का जो पानी शुद्ध पानी है वो नहीं मिलेगा। कितना का क्षति हुआ होगा? लाखों का हुआ है सर। लाखों? क्या नाम है आपका? रघुनाथ। यहाँ के प्रभारी शिक्षक? हाँ, मैं हाल ही में प्रभारी बना हूँ।